हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। माय डियर और माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड या हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, और उसी टॉपिक से रिलेवेंट हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी आयोनिक कंपाउंड के पास क्या जर्नल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि देखिए माय डियर, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा, देर आर टू टाइप ऑफ द बॉन्ड, वन इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज कोवलेंट बॉन्ड। अगर आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो आयोनिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो फॉर्मेशन होती है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, यानी एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। एंड द एलिमेंट और द स्पीसीज विच लॉस इलेक्ट्रॉन इज जनरली मेटल। हमारे पास क्या होगा माय डियर, मेटल होगा। जबकि अगर हम उस स्पीसीज की बात करें जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, दैट स्पीसीज इज नॉन मेटल। और वहीं पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास दो चार्ज स्पीसीज मिले थे माय डियर, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिवली चार्ज। और वहीं पे उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ था, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेम्ड एज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया गया था माय डियर उसको, आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और उसमें हमने डिस्कस किया था द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं माय डियर, आयोन्स होते हैं। यानी वो कंपाउंड जो किससे मिलकर बने हो, आयोन से मिलकर बने हो, उन्हीं कंपाउंड को क्या नाम दिया जाता है, आयोनिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। तो यानी सबसे पहले अगर हम बात करें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, वैसे एक कैरेक्टरिस्टिक तो है नहीं इसकी, लेकिन वैसे जनरली अगर हम बात करें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ, या पहले सबसे पहले देखते हैं इन आयोनिक कंपाउंड, इन आयोनिक कंपाउंड कंपाउंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर व्हाट आर आयोन्स, क्या होते हैं माय डियर, आयोन्स होते हैं। और आयोन्स में हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक हमारे पास क्या होता है माय डियर, नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड देर आर टू टाइप ऑफ आयोन्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिवली चार्ज माय डियर, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज की बात करें तो उसको बोल दिया जाता है माय डियर कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज को अगर हम बात करें तो उसको क्या बोल दिया जाता है माय डियर, एनायन। और यहां पे देखिए आयोन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन आयोन्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेम्ड एज आयोनिक बॉन्ड। और इसी को क्या नाम दिया जाता है माय डियर, आयोनिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। और आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये वैसे वैसा फोर्स नहीं है माय डियर, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माय डियर, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब पार्टिकल्स को क्या करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा, जकड़ के रखेगा। और जब वो जकड़ के रखेगा तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसके पास बहुत सारी जर्नल प्रॉपर्टीज आती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं माय डियर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट, किसकी बात करें माय डियर, फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं माय डियर, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं।
एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. द रीजन बिहाइंड दिस इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है माय डियर, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है. लिक्विड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, यानी कम होता है. और गैसेस के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत वीक होता है. तो यानी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आर आयोन्स. अगर उसके बाद हम बात करें सेकेंड, सॉलिड तो होते ही हैं. अब जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किस नेचर के होते हैं माय डियर, दे आर ऑफ ए ब्रिटल इन नेचर. कैसे होते हैं माय डियर, ब्रिटल इन नेचर और हार्ड भी होते हैं. एंड व्हाट इज द रीजन, ये है फिर से लिख देता हूं मैं यहां पे, सॉलिड स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, presence of strong force of attraction, due to presence of strong force of attraction, force of attraction between the constituent particle, that is ions, between cation and anion. और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो किस नेचर के होते हैं माय डियर, दे आर ऑफ ए हार्ड इन नेचर. सो ड्यू टू, यहीं पे लिख लेते हैं माय डियर, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. कैसे होते हैं माय डियर, हार्ड एंड ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जो प्रेशर लगाने पे सिंपली दो पीसेस में ब्रेक हो जाए. या वैसे टेक्निकली डेफिनेशन उसकी अलग होती है, लेकिन हम यहाँ पे इतना ही समझेंगे कि ब्रिटल का मतलब क्या है, जो फेलियर हो जाए यानी दो पीसेस में ब्रेक हो जाए जब हम उस पर क्या अप्लाई करें माय डियर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें. तो दीज आर हार्ड एंड सॉलिड. यहीं पे देखिए, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्या आती है माय डियर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, वैसे अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो फिर से अलग होती है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट को हम इतना समझ सकते हैं, मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना. और बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना. और वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड इज कन्वर्टेड इंटू वेपर्स एट When the boiling is start, before boiling भी होता है लेकिन वो evaporation कहलाता है. And that temperature is called boiling point, my dear. और उसी temperature को क्या कहा जाता है, boiling point कहा जाता है. And these temperature is depend upon the force of attraction. यानी ये जो temperature है ये किसके ऊपर depend करते हैं, force of attraction पे depend करते हैं. और force of attraction इनके बीच में क्या है, strong force of attraction है. तो जिसकी वजह से इनका melting and boiling point क्या होगा, high या low, हाई होगा माय डियर. वेरी गुड. देयरफॉर ड्यू टू दिस, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, बस इतना लिख देता हूं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेन. एंड दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अगेन व्हाट, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयोनिक बॉन्ड. यानी उसी की वजह से इनके पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है माय डियर, हाई होता है. तो इट मीन्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो देखिए जो पार्टिकल होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइस एंड द लिक्विड वाटर,
द डिफरेंस बिटवीन दीज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी यहां पे देखिए, जब आइस यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या करना पड़ता है, या पार्टिकल्स के पास एनर्जी क्या करनी होती है माय डियर, इंक्रीज करनी होती है। और उसी इंक्रीज की वजह से वो क्या करना स्टार्ट करते हैं माय डियर, मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए हमें क्या चाहिएगी, वी रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी हमें क्या चाहिएगी, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी। यहीं पे अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दिस इज सोल्युबिलिटी। क्या है माय डियर, सोल्युबिलिटी। यानी सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस कितने एक्सटेंट तक, यानी एक सब्सटेंस कितने एक्सटेंट तक किसी सोलवेंट में डिजोल्व हो सकता है, यानी अदर सब्सटेंस में डिजोल्व हो सकता है। अगर इनकी बात करें तो देखिए, वो वैसे भी फिर से डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो यहां पे अगर इनकी सोलिबिलिटी की बात करें, किसकी, आयोनिक कंपाउंड की, दे आर हाईली सोलेबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होते हैं माई डियर, हाईली सोलेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो भी किस नेचर का होता है माई डियर, पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है माई डियर, पोलर नेचर का। तो देखिए, दे आर जनरली They are soluble in water, ठीक है ना। क्यों होता है, वैसे एक डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उसकी प्रॉपर्टी आती है, लेकिन वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे माय डियर। दे आर सोलेबल इन वॉटर बट नॉट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट का मतलब क्या है यहां पे, जैसे अगर हम बात करें केरोसिन, बेंजीन, टोलिन, ये सभी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है माय डियर। तो उसमें क्या नहीं हो सकते, ये डिजोल्व नहीं हो सकते। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है माय डियर, एंड दैट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या आता है माय डियर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एंड दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिख लेते हैं। क्या है माई डियर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हाउ इजिली द करंट विल फ्लो थ्रू द सब्सटेंस। जैसे दिस इज द मेड ऑफ ऑफ प्लास्टिक ना, अगर यहाँ पे आप करंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसके आसपास अप्लाई करोगे, तो क्या इसके अंदर से करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं। तो इट मीन्स दिस इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे देखिए, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि उसके अंदर से करंट इतना इजीली फ्लो कर सकता है। तो देखिए, दे जनरली प्रेजेंट इन व्हाट, सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में पार्टिकल फ्री नहीं होते मूव होने के लिए। क्योंकि सिंपली अगर मीनिंग समझने की कोशिश करें, इसको ऊपर से साफ कर देता हूं माय डियर। तो देखिए, जब इसको हम ऊपर से साफ करके और समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए अगर हम करंट की बात करें, तो करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब जैसे आपने 8th या 7th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होते हैं, दोज लिक्विड सॉल्यूशन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो किसको कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, तो यानी चार्ज को फ्लो करने के हमारे पास एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसके अंदर माय डियर, मेटल्स के अंदर। एक हमारे पास आयोन्स मूव करते हैं, जो किसके अंदर होते हैं माय डियर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। किसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे पास क्या है माय डियर, आयोन्स हैं। लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, आयोन्स फ्री नहीं है मूव करने के लिए, because the constituent particle are not free to move in solid state, therefore they are bad conductor of electricity in the solid state. To kya likhenge my dear, ionic compounds are bad conductor of electricity In solid state, because what is the reason?
Because the ions are not free to move. Because ions are not free to move due to strong force of attraction. Due to strong force of attraction. किसकी वजह से माय डियर? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दूसरी चीज देखिए, अब इसी आयनिक कंपाउंड को अगर मैं वाटर में डिसोल्व कर दूं, तो जैसे NaCl है हमारे पास, NaCl हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, जब इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव क्या हो जाता है माय डियर? अलग हो जाता है. और Cl माइनस क्या हो जाता है? अलग. और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एक्वस, यानी इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है. तो देखिए अब जो आयंस है वो फ्री हो गए माय डियर, यानी उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया? वीक हो गया, कम हो गया. पानी ने उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर दिया? कम कर दिया. जिसकी वजह से ये आयंस क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो इट मींस अगर इन आयनिक कंपाउंड को हम वाटर या किसी लिक्विड में जब डिसोल्व कर देते हैं तो ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज Now the ions are not held by the strong electrostatic force of attraction. The force of attraction become weaker. That's why the ions are free to move. तो इसलिए जो ions हैं वो क्या हो जाते हैं my dear? Free to move हो जाते हैं. और जब ion free to move हो जाते हैं तो they start conduct electricity. तो यहाँ पे देखिए ionic compound can conduct electricity in aqueous. Aqueous का मतलब क्या? जब हमने उसको वाटर में डिसोल्व कर रखा हो. इन aqueous एंड molten स्टेट. molten का मतलब क्या? जब हम उसको पिंगला दें, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous एंड molten स्टेट because ions are free to move. यानी जो आयंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी जब हम दो एंड अप्लाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो उनके बीच में क्या करना स्टार्ट कर देंगे? फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे. और फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देगा माई डियर? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. सो दीज आर दी सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. फर्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयोन्स. आयोन्स में भी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज अगेन डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्या चाहिए? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्थ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की माय डियर सोलिबिलिटी. अगर हम सोलिबिलिटी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की माय डियर सोलिबिलिटी. तो जब हम सोलिबिलिटी की यहां पे बात करेंगे, दे आर सोलिबल इन वॉटर. यानी वॉटर के अंदर क्या है माय डियर? दे आर हाईली सोलिबल. जबकि अगर हम ऑर्गेनिक सोलवेंट में बात करें तो उसमें सोलिबल नहीं है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड एंड मोल्टन स्टेट. यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. एंड दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. अगेन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो नहीं, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड से. इन्हीं को हम रिलेट करेंगे माय डियर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में. इसलिए उस टॉपिक को वहां पे इतना हमने छोड़ दिया था, लेकिन उसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उसको आगे समझना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा. प्रॉपर्टीज को कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा. तो आई होप आपको समझ आया होगा. तो बने रहिए अपने YouTube चैनल पे और देखते रहिए माय डियर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.